जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे FCI यानी कि भारतीय खाद्य विभाग में भर्ती FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम बात करेंगे, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको शो करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे स्टार्टिंग एंडिंग डेट क्या रहेगी। 30 तारीख लास्ट डेट है, आने वाली 30 तारीख से पहले पहले आपको अप्लाई करना रहेगा। सारा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम शुरू से लेकर एंड तक, ये वीडियो के साथ में बने रहिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे FCI रिक्रूटमेंट 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, रिक्रूटमेंट फॉर फूड असिस्टेंट क्लर्क फूड इंस्पेक्टर, 3 तरह की वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है FCI.gov.in पे, जहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। 5,850 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ फूड इंस्पेक्टर के 1,560 पद है, 2,250 पद क्लर्क के है जो कि हेडक्वार्टर वाली वैकेंसी है, इसके अलावा फूड असिस्टेंट के 2,040 पद है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, इसमें रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन सारा सब कुछ शामिल है। इसमें मेन मेन बातों पे मैं गौर करूँगा, जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात कर लूँ, यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन मांगा गया है, क्लर्क सेकंड ग्रेड में 12th क्लास पास है, फूड असिस्टेंट में भी 12th क्लास पास है, 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। वहीं इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है। इसके अलावा एज लिमिट 5 साल 3 साल की छूट है और 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है जो कि 5 साल SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल शामिल है। इसके अलावा डेट्स की भी बात करता हूँ, यहाँ पे नीचे डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन टिल यहाँ पे 30/11/2022, तो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ध्यान रखना 30 नवंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना रहेगा, आवेदन यहाँ पे 30 नवंबर से पहले आप कर सकते हो। इसके अलावा लिस्ट दे रखी है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, 250-150 रुपये की फीस के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।